हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेस। यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले जरा एक बार मोमो सर की क्लास में चलते हैं। हेलो बच्चों, मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 रिसोर्सेस। तुम जो बच्चे हो ना, तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तभी तुम इतने अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो। तुम्हें पता है हमारे ज़माने में तो किताबें भी नहीं होती थी लिखने के लिए, हम तो अपने पापा मम्मी के खोपड़े पे ही लिख दिया करते थे। अरे सर, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। आप अपने पापा मम्मी के खोपड़े मतलब कि सर पर ही लिख दिया करते थे। सर बस ये तो फेंकने की लिमिट ही आपने क्रॉस कर दी। हाँ चीकू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सर ने तो फेंकने की लिमिट ही क्रॉस कर दी। आखिर अपने मम्मी पापा के सर पर कौन लिखता है, सर तो फालतू में फेंके जा रहे हैं। चलो सर, हमें यही बता दो कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। अरे बदमाश चीकू और मोटूलाल, मुझे नहीं पता रिसोर्सेज विसोर्सेज का मतलब। कल इस चैप्टर का टेस्ट है, जाकर मन्नू भैया से ही पढ़ो ये चैप्टर तुम। रिसोर्स वो हर एक चीज कहलाती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि हमारा मन करता है मोबाइल में गेम खेलने का, सो मोबाइल इज अ काइंड ऑफ अ रिसोर्स। और मोबाइल के अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, तो दीज आर ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, अब व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स। आखिर कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन जाती है, जब उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और इसी चीज़ की वजह से हम लोग उसे रिसोर्स कहने लगते हैं। अब रिसोर्स का एग्जाम्पल है वाटर। वाटर क्या है, इट इज़ अ रिसोर्स। टेक्स्ट बुक, ये जो बुक है जिसके अंदर से आप पढ़ते हो अपने अलग अलग चैप्टर्स, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। मोबाइल फोन, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसे से खरीदा जा सकता है कुछ रिसोर्सेज को, और कुछ रिसोर्सेज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब पैसे से जिन रिसोर्सेज को खरीदा जा सकता है उनमें आता है आपका मेटल्स, ठीक है, लैंडस्केप, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जैसे पैसों से हम लोग किसी मेटल को खरीदें, गोल्ड को खरीद सकते हैं, सिल्वर को खरीद सकते हैं, आयरन को खरीद सकते हैं, तो ये सब क्या हो गए, ये वो रिसोर्सेज हो गए जिनकी कुछ वैल्यू है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू नहीं होती, जैसे कि आपकी दादी नानी के नुस्खे। जैसे दादी बता देती है ना कि बेटा गला ख़राब हो तो गर्म पानी पी लेना, तो ये क्या हो गया, एक ऐसा रिसोर्स हो गया जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, कोई पैसों से आपको ये सलाह नहीं दे रहा, फ्री में मिल रही है आपको तो ये सलाह। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी चीज़ रिसोर्स के अंदर चेंज हो सकती है, एक तो टाइम और टेक्नोलॉजी। विद टाइम कोई भी चीज़ रिसोर्स के अंदर चेंज हो सकती है, और विद टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ रिसोर्स के अंदर चेंज हो सकती है। अच्छा, टाइम की बात करें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होकर ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो ये भी क्या बन जाएंगे, एक तरीके का रिसोर्स। सर रिसोर्स कैसे बने, इन्हीं बच्चों की हेल्प से जब ये बड़े होंगे, हम आगे क्या पता ये डॉक्टर बने इनमें से कोई बच्चा, तो वो किसी मरीज का ट्रीटमेंट कर पाए, कोई टीचर बने तो वो बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई इंजीनियर बनेगा तो बड़े बड़े ब्रिजेस बना सकता है। तो इसी तरीके से विद टाइम चीज़ें रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को रिसोर्सफुल बनाने में। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, लोग खुद में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हो गए, नॉलेज हो गई, इन्वेंशन हो गई, डिस्कवरीज हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। हर एक इन्वेंशन से और भी बहुत सारी इन्वेंशंस होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने व्हील को लिया है। यहाँ पर देखो, ये जो आपको व्हील दिख रहा है, शुरू में जब व्हील बना था ना, बहुत एंशियंट टाइम के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर, तब किसी को नहीं पता था कि इस व्हील का यूज़ बाइसाइकिल के अंदर भी होने वाला है, कार के अंदर भी होने वाला है, और यहाँ तक कि इस ठेले के अंदर भी होने वाला है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी जगह एक व्हील का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि रिसोर्सेज को हम लोग बहुत और डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड, और तीसरे होते हैं ह्यूमन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि एयर, एयर को हम लोग मॉडिफाई नहीं करते, वाटर को हम लोग मॉडिफाई नहीं करते, सॉइल को हम लोग मॉडिफाई नहीं करते, मिनरल्स को मॉडिफाई नहीं करते, डायरेक्टली हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए, नेचुरल रिसोर्स। ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, नेचर से। क्या हमें इन्हें बनाना पड़ रहा है, नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी यहाँ से क्या कलेक्ट करी,
मिट्टी। अब मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद हमने ब्रिक्स बनाई और इन ब्रिक्स के यूज से हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने क्या करा, ह्यूमन मेड रिसोर्स बना लिया ये बिल्डिंग बनाकर। अच्छा, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम लोग लोगों की बात करें तो वो भी एक तरीके का ह्यूमन रिसोर्स हैं। सर कैसे हैं ये देखो, एक बंदा है, ये कौन है, शेफ है, ये कौन है, ये डॉक्टर है, ये कौन है, ये फार्मर है, ये सब क्या हैं, लोग हैं अलग अलग, और ये भी क्या है, रिसोर्स हैं। अब डॉक्टर किसी का इलाज कर सकता है, शेफ खाना बना के दे सकता है, फार्मर खाने को ग्रो करता है, और यहाँ पर ये पुलिसमैन भी खड़ा है, ये क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो ये पीपल भी क्या होते हैं, एज अ रिसोर्स हम लोग पीपल्स को भी ट्रीट करते हैं बेटा। नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर की तरफ से एज अ फ्री गिफ्ट मिले हुए होते हैं। हम इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर। अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा गया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। फर्स्ट है ओरिजिन, सेकंड है स्टॉक, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। रिसोर्सेज को हम लोग दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कौन से रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। एक है एक्चुअल रिसोर्स, वो वाले रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं और हमें पता हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो वाले रिसोर्सेज जो शायद फ्यूचर के अंदर हमारे यूज में आ सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन देख रहे हैं हम लोग, एक होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं बेटा नॉन लिविंग रिसोर्सेज, और बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं लिविंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए हमारे बायोटिक रिसोर्स, सॉइल वाटर रॉक क्या हो गए हमारे एबायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कुछ। अब ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं मतलब ये बार बार रिन्यू होते हैं, नाम से ही पता चल गया। जैसे सनलाइट है, सनलाइट को हमने यूज़ करा, सोलर एनर्जी को यूज़ करा, ये दोबारा से कल दोबारा सूरज उगेगा तो दोबारा से हमें सोलर एनर्जी मिल जाएगी। तो आसानी से ये सोलर एनर्जी क्या हो रही है, रिन्यू हो रही है, रिप्लेनिश हो रही है, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो वाले रिसोर्स जो आसानी से रिन्यू नहीं होते, जैसे कि कोल। अगर कोल की बात करें, एक बार आपने कोल का इस्तेमाल कर लिया तो वो 1000 ईयर बाद नया कोल शायद से बन जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है और देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कोल को डेवलप होने में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं यूबिक्यूटस, मतलब कि रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वो वाले रिसोर्सेज जो हर जगह पर प्रेजेंट है, जैसे एयर आसानी से हर जगह पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ यूबिक्यूटस। एग्जाम्पल के लिए एयर एंड वाटर। फिर आते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल जगह पर मिलते हैं। जैसे देखो आयरन ओर, आयरन ओर कहाँ पर मिलती है, कुछ स्पेशल जगहों पर मिलती है, आपके घर के पास में नहीं मिलेगी आयरन ओर, तो इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, एक सेलेक्टेड जगह पर मिलते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़े ही अनइक्वली हो रखा है पूरी अर्थ के ऊपर। कहीं पर देखोगे तो नदी भी है, ग्रीनरी भी है, पहाड़ भी हैं, और एक जगह पर देखोगे तो रेगिस्तान रेगिस्तान है, ना ट्रीज देखने को मिलेंगे, ना वाटर देखने को मिलेगा। तो यार ये बड़ी प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर अर्थ, और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। एक तो टेरेन, दूसरा है क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इनके बारे में आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही दिया है। फिर आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर लेते हैं नेचुरल सब्सटेंस को और उससे कुछ अपने लिए यूज़फुल चीज़ बना लेते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं आयरन ओर की, तो आप बोलोगे सर आयरन ओर ये क्या चीज़ है। अब आयरन ओर से हम लोग क्या बना लेते हैं, आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर आयरन हमारे
चेयर बनाने के काम में आता है, फ़ोन बनाने के काम में आता है, और ना जाने कार बनाने के काम में आता है, और ना जाने क्या क्या चीज़ें। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, ये स्टोन है बेटा, इस स्टोन को हमने लिया और इस स्टोन का यूज़ करके हमने ये बिल्डिंग बना ली। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ये जो एक तरीके से बोल सकते हैं अनयूज़फुल रिसोर्स हो रखा था, एक ये जो चीज़ थी इतनी यूज़फुल नहीं थी, अब हमने इसे यूज़फुल बना लिया थोड़ा सा चेंज लाकर। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ह्यूमंस भी क्या होते हैं, एक वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स, और जो वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से ह्यूमंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बींग, ये बहुत अच्छे से रह पाते हैं। अगर देखो जैसे हम लोग बात करें, ये था शेफ, बहुत अच्छा शेफ था, लेकिन जिस कंट्री में ये रहता था या जिस जगह पर रहता था वहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैली जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, इतना अच्छा खाने बनाने वाले था, उसका लॉस हो गया जस्ट बिकॉज उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रही। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डॉक्टर है, डॉक्टर कब डॉक्टर बन पाई होगी, जब इसने स्कूल गई होगी, स्कूल में पढ़ाई करी होगी, तब जाकर डॉक्टर बनी है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। कंजर्विंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को बचाकर चलना। देखो हमें रिसोर्सेस को बचाकर चलना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेस बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होने वाले, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनको भी अच्छे से रखना चाहिए, इनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब इनकी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो, आप अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखो, टीचर्स की हेल्थ का ध्यान रखो, इस तरीके से आप कंजर्व कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्सेज को। बाकी ट्रीज़ वगैरह हो गए, इनको कट नहीं करना। हमें क्या करना है, जो और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको नहीं मारना ऐसे ही मस्ती मस्ती में, और इन सब इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, किसी भी चीज़ को फालतू में वेस्ट नहीं करना। अब आपका होमवर्क क्या है, वाई आर ह्यूमंस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वाई ह्यूमंस जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों हैं, इसका जवाब आपको देना है इंस्टाग्राम के ऊपर। यही वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। आपको क्या करना है, फटाफट ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है, मेंबर बनना है। मेंबर बनने से आपको नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।